नमस्कार, स्वागत है आप सबका केसरिया न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के चलते नाराज हुए कांग्रेस के बागी नेताओं ने कल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया, तो वहीं कल देर शाम होते होते बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनाने की कवायद शुरू हो गई। और उसी कड़ी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह कल शाम से लगातार कांग्रेस से नाराज हुए नेता और कार्यकर्ताओं को मनाने के सिलसिले में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला शहर से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह जसबीर सिंह मलौर के निवास स्थान पर उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। वहीं जसबीर सिंह मलौर ने कहा कि मैंने फैसला कार्यकर्ताओं पर छोड़ा है, कल मीटिंग बुलाई है, कार्यकर्ता कहेंगे तो वह चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। अंबाला शहर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्मल सिंह चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कल निर्मल सिंह ने नामांकन किया और इसके दौरान कांग्रेस के कई नेता नाराज हुए जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। तो वहीं कल देर शाम से अब तक नाराज हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए निर्मल सिंह सबके घर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह सुबह निर्मल सिंह जसबीर मलौर के घर पहुंचे और करीब 15 से 20 मिनट एक बंद कमरे में निर्मल सिंह और जसबीर मलौर के बीच बातचीत हुई। इस दौरान निर्मल सिंह ने कहा कि नाराजगी इनकी वाजिब है और इस मामले को लेकर कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करेंगे, लेकिन टिकट एक है और जसबीर सिंह मलौर ने नामांकन किया है और वो यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि दोनों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इससे नुकसान होगा। निर्मल सिंह ने कहा कि वो और जसबीर मलौर आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं और इनकी नाराजगी वाजिब है। साथ ही निर्मल सिंह ने कहा कि जो नाराज है उनको मनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। सर, नामांकन के बाद नाराज साथियों से मिलने पहुंचे हैं, अब तक किन किन से मुलाकात हुई? देखिए जी, एक तो नाराजगी की कोई बात नहीं और सबका अपना जो है विश्वास था और सबको अधिकार था टिकट मांगने का, टिकट एक है। अब मेरे भाई मलौर ने नॉमिनेशन कराया है तो मैं इनसे ही रिक्वेस्ट करने आया था कि हमें दो बंदों को नहीं लड़ना चाहिए, इससे नुकसान होगा। अब तक किन किन नेताओं से मुलाकात हुई? मैं सभी से मिला हूँ, देवेंद्र वर्मा से मिला और क्या नाम उससे मिला, मेहता से। क्या कुछ आश्वासन? जग्गा से मिला ना, ठीक है, कोई बात। किस तरह से तैयारियां हैं जो तैयारियां तो अपनी करते ही हैं सारे। अब पहले हमने साथियों को, अपनी टीम को और जो मेरे भाई बंदा एक पार्टी में है उनको तो इकट्ठा कर लूं, फिर आगे चलूं। टिकट न मिलने से बहुत से साथी नाराज हैं, इनको मना लिया गया है। उनकी नाराजगी वाजिब है, दुख तो होती ही है, मनाऊंगा भाई, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। और यही नहीं कि मैं लीडरशिप से भी कहूंगा, देखिए मुकाबले के लीडर हैं, खासकर मलौर जी जो है वो मेरे, हम आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, सरकार बनेगी और बहुत से एडजस्टमेंट्स हैं। मैं तो कहूंगा भाई जसबीर हर तरह से डिजर्व करते हैं, कल मैं जाऊंगा हुड्डा साहब के पास और बात करूंगा जसबीर भाई के बारे में। वहीं जसबीर सिंह मलौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चौधरी निर्मल सिंह उनके निवास स्थान पर उनसे बातचीत करने पहुंचे थे और उनके साथ हुई बातचीत में यही निकल कर आया है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी कल सुबह मीटिंग बुलाई गई है और कार्यकर्ता कहेंगे तो वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, अगर कार्यकर्ता ने कुछ और कहा तो वह उस तरीके से निर्णय लेंगे, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनका टिकट कटा है और उसको लेकर वह कार्यकर्ताओं के बगैर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। जसबीर सिंह मलौर ने कहा कि उनके 35 वर्ष के राजनीतिक करियर में जो लोग उनके साथ हैं वह सही फैसला लेंगे। चौधरी निर्मल सिंह पहुंचे हैं आपके पास बातचीत करने को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई, कितनी देर और क्या आपने आश्वासन? नहीं, वो मेरे निवास स्थान पे आए थे, यही बात करने आए थे कि आप मेरा साथ दें, लेकिन मैंने उनसे जो बातचीत की है उससे यही निकल के आया कि मेरे कार्यकर्ता जो 35 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा जो कल हमने मीटिंग 10 बजे मेरे निवास स्थान पे रखी गई है, जो निर्णय हमारे कार्यकर्ता लेंगे मैं कार्यकर्ताओं के निर्णय के साथ चलूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ जाती हुई, मेरा टिकट कटा, तो मैं कार्यकर्ताओं के बगैर अकेला फैसला लेने में सक्षम नहीं हूँ। ये सारा निर्णय कल की बैठक के ऊपर रख दिया गया है, जो कार्यकर्ता निर्णय लेंगे, कार्यकर्ता मेरे को सलाह देंगे, अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना है तो मैं 500% चुनाव लड़ूंगा, और अगर वो कार्यकर्ता कहेंगे कि आपने मोल्ड होना है, आपने चलना है, क्योंकि कार्यकर्ता के बगैर मैं नहीं चल सकता, कार्यकर्ता मेरी रीढ़ की हड्डी है,
और मुझे विश्वास है कि 35 साल में जो मैंने लोगों से मिला हूँ, जो मेरे संपर्क में रहे हैं, उनका आशीर्वाद सहयोग मुझे जरूर मिलेगा।